हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता। वेलकम टू माय चैनल मैरिनेड ऑफ फ्लेवर्स। इस समर सीजन में एकदम ठंडा और रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक पीने का अगर आपका मन हो रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो चलिए ये रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में हमें ऐड करना है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। अप्रोक्स हाफ वाटरमेलन को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर की सीड्स को भी मैंने रिमूव कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करने हैं फ्रेश मिंट लीव्स। 10 से 12 मिंट लीव्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे एकदम रिफ्रेशिंग बनेगा हमारा ये वाटरमेलन जूस। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पाउडर शुगर, इसे डालना ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे 2 चम्मच पाउडर शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये जूस अब यहाँ पे बन के रेडी है। इसे अब हमें एक ग्लास में सर्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास जार लिया है और सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 आइस क्यूब्स। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करने हैं थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स, और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है हाफ लेमन का जूस। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़े से लेमन स्लाइसेस। लेमन को ऐसे एकदम पतले स्लाइसेस में कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। और अब हमें फिर से इसमें ऐड करना है थोड़ा सा वाटरमेलन, एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब लास्ट में हम इसमें पोर करेंगे हमने बनाया हुआ वाटरमेलन जूस। आप चाहे तो इसे स्ट्रेन करके फिर इसे इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप वाटरमेलन मोहितो बनाना चाहते हो तो आपको बस इसी सेम ग्लास में आधे तक भरकर ये जूस ऐड करना है, और फिर पूरा ग्लास भरने तक इसमें आपको ऐड करना है क्लब सोडा, और फिर आपका वाटरमेलन मोहितो भी एकदम इजीली बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर में रख रही हूँ ये मिंट लीव्स, और इसी के साथ इस ग्लास जार पे मैं लगा रही हूँ ये एक लेमन की स्लाइस और एक वाटरमेलन की स्लाइस। और यहाँ पे हमारा एकदम कूल एंड रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इन गर्मियों में ये एकदम रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस घर पे ज़रूर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए।